असलम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स इन फ़ोटो ऑप्स फॉर प्रिंट क्या मतलब मेरा यानी कि जो हम अखबार में ख़बरें पढ़ते हैं और कभी कभार हम तस्वीरें देखते हैं वो तस्वीरों के साथ एक छोटी सी लाइन लिखी होती है उसको हम फोटो ऑप कहते हैं यानी एक ऐसा मतलब फ़ोटो ऑप जो ट्रडिशनली था वो ये होता था कि हम एक ऑपरचुनिटी क्रिएट करते थे जहाँ लोग तस्वीर खींच सकते थे फिर उसके साथ नीचे एक टाइटल हम देते थे मगर अब जिस तरह का दौर चल रहा है और जिस तरह की न्यूज़ जा रही है वहाँ पर सेल फ़ोन से या वैसी बहुत सारी हम ऐसी तस्वीरें लेते रहते हैं जो कि खाली तस्वीर इतनी कोई आला होती है इतनी कोई वो ख़ूबसूरत होती है कि हम खाली तस्वीर से पूरी की पूरी खबर जो है वो निकाल लेते हैं और हमें सिर्फ एक लाइन चाहिए होती है नीचे और उसको हमने नाम फोटो ऑप का दिया हुआ है इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रिंट आर्टिकल्स की अब आर्टिकल्स जो हैं या जो ख़बर है वो टीवी पे भी चलती है रेडियो पे भी चलती है और अब तो डिजिटल पे भी चलती है मगर डिजिटल के बारे में या जो ऑनलाइन मीडिया है उसके बारे में हम आगे जा के बात करेंगे इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्रिंट की प्रिंट सबसे ट्रेडिशनल तरीका है ख़बर देने का और इसीलिए जो चूँकि प्रिंट जो है हमारे पास काफ़ी देर तक रहता है तो इसमें हम खबर ज़रा डिटेल में दे सकते हैं क्योंकि टी वी पर तो बस हमने देखना होता है और हो सकता है हम आगे बढ़ जाएँ तो जल्दी जल्दी छोटे से वक्त में हमें बहुत सारी खबर आपको देनी होती है तो जब हम आर्टिकल लिखते हैं उसमें एक्सपेक्टेशन जो एक पढ़ने वाले की होती है वो ये उम्मीद लगा के बैठा होता है कि हाँ जी इससे मुझे पूरी के पूरे पता चल जाएगा एग्जैक्टली हुआ क्या था क्या क्या नहीं हुआ था अगर हम डेफिनेशन देखें न्यूज़ आर्टिकल की सो अ न्यूज़ आर्टिकल डिस्कसेस करंट और रीसेंट न्यूज़ ऑफ आयदर जनरल इंट्रस्ट और स्पेसिफिक टॉपिक्स इट कैन बी अबाउट ट्रेड इट कैन बी अबाउट क्लाब्स इट कैन भी अबाउट टेक्नोलॉजी मतलब वो तो एक ऐसी एक आ, वास्ट आ, सेक्टर है जिसके बारे में हम बात करते रहें तो ख़बर से ख़बर निकलती रहती है अब तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम खबर ख़बर रखते हैं और निकालते हैं चाहे वह बिजनेस हो चाहे वह इंटरटेनमेंट हो पॉलिटिक्स हो और इस तरह चलता रहता है जो लिखने वाले होते हैं जो ख़ास तौर पे जो फ्री होते हैं वो अपने आर्टिकल्स लिख के बेच भी सकते हैं यानी कि खबर वो बेचते हैं सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड करियर ऑप्शन शशी फॉर फ्री लांसिंग जब आप फ्री के तौर पे काम करना चाहते हैं तो आप एक आर्टिकल राइटर बन सकते हैं और मुख्तलिफ अखबार को या मैगजीन्स को अपने आर्टिकल्स बेच सकते हैं तो इसलिए ये जब आप आ, आ, ये वाले जो कोर्स अभी आप, आप मेरे साथ कर रहे हैं उसमें आप जब सीखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आप स्किल ले लें ताकि आप अपने लिए पैसे बना लें या मेन बनाएं बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो फ्रीलांस यही काम करते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेते हैं अपने लिए और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको पार्ट टाइम रखते हैं आ, किसी कोई और वक्त कोई काम कर रहे होते हैं और साथ में इसको एक पार्ट टाइम नौकरी के तौर पर लगाते हैं तो अगर हमने आर्टिकल लिखना है तो हम आर्टिकल कैसे लिखेंगे सबसे पहले हमें ये ज़रूरी है हम आर्टिकल लिखते क्यों हैं इंफॉमेशन देने के लिए एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अक्सर ऐसा होता है जैसे बहुत सारे अखबार हैं मैं डॉन पढ़ती हूँ ट्रिब्यून पढ़ती हूँ न्यूज़ इतनी नहीं पढ़ती मुझे डॉन की खबरें बेहतर लगती हैं और जिस तरह वो लिखते हैं वो बेहतर लगता है ट्रिब्यून मुझे एंटरटेन करता है वो एक कैजुअल मॉडर्न स्टाइल में लिखा होता है तो इसलिए मैं वो पढ़ती हूँ तो जो एक ख़बर ना जो अखबार है या जो लिखने वाला है उसकी उसकी जो टास्क होता है वो ये सिर्फ ये नहीं होता कि वो ख़बर लिखे उसका टास्क ये भी होता है कि वो इतने मज़े में लिखे और इतने अच्छे तरीके से लिखे कि लोग बार बार उसको पढ़ने के लिए या उसकी जो लिखाई है वो पढ़ने के लिए उसका आर्टिकल पढ़ने के लिए बार बार वो अखबार ख़रीदें या उनका आर्टिकल पढ़ें लोग तो बहुत फ़ेमस हो जाते हैं आप भी जानते होंगे बहुत सारे ऐसे हमारे फेमस राइटर्स हैं मुन्नू भाई भी थे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बड़े पॉपुलर आर्टिकल राइटर्स या जर्नलिस्ट थे ऑल्सो हम एक आर्टिकल लिखते हैं क्योंकि हम अपनी ऑडियंस को एक ज़्यादा इंफॉमेसन देना चाहते हैं एक गहरे तरीके से एक बात के ऊपर हम इंफॉर्म करना चाहते हैं डिस्कस करना चाहते हैं मॉडर्न ज़माने में एक वजह और भी है और वो ये है कि आप अपनी एस रैंकिंग बढ़ाते हैं अब एस रैंकिंग क्या है यानी कि जब आपने गूगल किया ना या कोई चीज़ आपने सर्च की तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं अब आपकी कोशिश ये होती है कि आप सबसे पहले ऊपर आएँ और आप ऊपर कैसे आते हैं जब आपके बारे में ख़बरें लगाई जाती हैं या लोग आपके बारे में बात कर रहे होते हैं तो इसी भी आज के मॉडर्न ज़माने में आर्टिकल्स लिखना ज़रूरी होता है और आर्टिकल्स आपके पब्लिश होना ज़रूरी होता है तो क्या तरीक़ा है आर्टिकल्स को लिखने का सबसे पहले तो हमने फ़ैसला करना है कि टॉपिक हमारा होगा क्या लिखना किसके बारे में हमने इतनी सारी चीज़ें हमने देखी कि हम किसके बारे में लिख सकते हैं किसके बारे में नहीं लिख सकते बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल इश्यूज़ पे लिखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स पे लिखते हैं मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो फ़लसफ़े पे भी लिखते हैं आर्ट पे भी लिखते हैं कल्चर पे भी लिखते हैं तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो जो आपको इंटरेस्ट करता है आपको पसंद है उसके बारे में आप लिखें या कभी कभार हम इसलिए भी लिखते हैं कि वो जो हमारे पढ़ने वाले लोग हैं उनके फ़ायदे की चीज़ है या उनकी ज़रूरत की चीज़ है अगर कोई नई गाड़ी लॉन्च हो रही है या कोई एक स्कीम लॉन्च हो रही है जिससे लोगों का फ़ायदा हो सकता है अगर हम उसके बारे में लिखेंगे तो ऑबियसली जो हमारी ऑडियंस है उसकी एक नीड पूरी हो रही है हमें रिसर्च करनी है और रिसर्च करनी है और बार बार हम हर सेशन में इस बात के बारे में बात करते हैं फिर मैं दोबारा कहूँगी कि हमें रिसर्च करनी ज़रूरी है जब तक कि हमें पता नहीं होगा कि इसकी डेप्थ क्या है ऊपर नीचे अंदर बाहर ख़बर के अंदर है क्या फैक्ट्स क्या है तब तक हम आगे लिख ही नहीं सकते हमारे पास मवाद ही नहीं होगा कि हम कुछ लिख सकें टाइट न्यू ड्राफ्ट यानी कि आर्टिकल चूँकि कुछ थोड़े से अल्फाज का होता है ना बिल्कुल किताब तो होती नहीं है तो इसीलिए हमें बड़ा एक कंसाइज तरीके से लिखना होता है मेक इट स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग बनाए लोगों के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता ज़्यादा वक्त इतना वो देना भी नहीं चाहते ख़बर के लिए तो स्पेसिफिक बनाएँ पढ़ें और रिवाइज़ करें और रिवाइज़ करें और रिवाइज़ करते रहें तो एक एग्जांपल अगर हम देते हैं इट्स मनी नॉट एड सेस कुरैशी वो बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में कि जो यूएस ने एड बंद की है वो एक्चुअली एड नहीं बंद की है वो हमारा ही पैसा है जो उन्होंने हमें जो हमने वॉर ऑन पीस लड़ी है उसके लिए उन्होंने देना था और वो अब वो पैसे नहीं दे रहे हैं तो ये आर्टिकल जो है ये पूरा उसके ऊपर है तो वो फाइनल मतलब आर्टिकल का मेन हेडलाइन है सेकेंड हेडलाइन, एफएम एफ एम फाइनेंशियल मिनिस्टर सेज पाकिस्तान विल रेज इशू डूरिंग विजिट। तो इस तरह हमने देखा कि अखबार में हमने एक आर्टिकल लिखा इसका आपने वो देखा होगा कि जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो वो लव्स का काउंट भी होता है और कॉलम भी होता है तो वो कॉलम वर्सेस इंचेस कितने इंचेस का था और कितने कॉलम्स में डिवाइडेड है इस तरह हम उसका साइज़ देखते हैं कि कितना एक बड़ा आपके पास है हर राइटर की कोशिश ये होती है कि वो फ्रंट पेज न्यूज़ बनाए तो जितना आज आप अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा आपका चांसेस हैं कि वो फ्रंट पेज पे या बैक पेज पे वो ख़बर छपे ऑब्वियसली न्यूज़ वैल्यू यानी कि वो ख़बर है कितने मज़े की कितनी ज़रूरी आवाम को कितना उससे फ़ायदा होगा या कितना वो पढ़ना चाहेंगे इस तरह एड, एडिटर जो है वो डिसाइड करता है कि उसने वो ख़बर कहाँ लगानी है जैसे कि हमने कहा और बहुत दफ़ा हमने रिपीट किया है खबर जो एक आर्टिकल है उसको लिखने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फिर लैंग्वेज जो है आजकल के ज़माने में बड़ी कैजुअल इस्तेमाल की जाती है तो आपको एक कैजुअल इस्तेमाल करनी है अब हम आते हैं फ़ोटो ऑफ पे अब अगर हम ये वाला फ़ोटो आप देखते हैं तो इसमें तस्वीर है तस्वीर के साथ लिखा है जनरल कमर विजिट्स द रेगल वैली अप्रीशिएट्स प्रोफेशनलिजम ऑफ ट्रूप्स इन टारगेटिंग टेरिस स्ट्रॉग फील्ड बेसिकली यानी कि जो हमारे फाइटर्स हैं उनके पास वो गए थे और उनसे मिले थे और एक तस्वीर खींची और उसके बारे में अब हमें सब पता चल गया एक तस्वीर है और एक लाइन है मगर हमें पूरी कहानी पता चल गई बहुत लंबा हमें आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी अब अगर हम देखें कि फ़ोटो आपका जो एक्सप्लेशन है और फोटो अपॉर्चुनिटी इज़ अरेंजड टू टेक फोटोग्राफ ऑफ पॉलिटिशन और विद सेलब्रिटीज़ और एनी बडी एट एन इवेंट एंड इट हैज़ ए शॉर्ट कैप्शन सिर्फ तस्वीर होती है विद अ कैप्शन अब अगर हम इसको देखें एक एग्जाम्पल लेकर आए और हम कहें कि जी अब हम अपना एक कैप्शन बनाते हैं तो क्या कैप्शन बनेगा बहुत सारे लोग हैं ये बड़ी मशहूर सी एक तस्वीर है इसकी कई कैप्शन आ चुके हैं इसका हम ये भी लगा सकते हैं वेर देर इज़ विल टू ट्रैवल देर इज टू से हमने इसका कैप्शन लगा दिया यानि कि बेसिकली इन्होंने ये तस्वीर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं खिंचवाई बल्कि एक रिकॉर्ड सेट करना चाहते थे कि बहुत कितने सारे लोग जो है एक ट्रेन पर चढ़ सकते हैं और उन्होंने उसको चढ़ के और फिर ये तस्वीर ली तो इस एक कैप्शन से हमें पता चल गया कि हो क्या रहा है मगर ज़्यादातर कहानी जो है वो तस्वीर ने बताई सो दैट इज़ अ फोटो ऑफ एंड एन आर्टिकल आई होप एबल टू राइट सम और आप लिखिए ज़रूर लिखिए और शेयर कीजिए और फिर हम देखते हैं कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं थैंक यू